मुल्क भर में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन होने या ना होने का इबहाम खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का हुकूमत को 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी का ऐलान किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। अगली बार पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी, नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर जाती उमरा में नमाज जुमा के बाद पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे, हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता काम हुए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम, कहा अवामी क्यादत आने से अवाम की मुश्किल में कमी आएगी। नून लीग नवाज शरीफ की क्यादत में अवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार है। करप्शन केस का इल्ज़ाम साबित न होने पर एंटी करप्शन कोर्ट ने नून लीग रहनुमा उवैस लगारी को बरी कर दिया। उवैस लगारी की सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उवैस लगारी एक झूठे मुकदमे में नाहक सज़ा से बरी हुए, सच्चाई का सूरज तुलू हुआ और झूठ मिट गया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जक्का अशरफ से मुलाकात। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जक्का अशरफ ने कहा, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के हीरो हैं, हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। शाहिद आफरीदी की जानिब से जक्का अशरफ की काविशों की तारीफ। नौजवान क्रिकेटर्स को ग्रूम करने में दिलचस्पी का इजहार। और शादाब खान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के इम्कानात, टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान का मुतबादल सोचना शुरू कर दिया। मुतबादल के तौर पर अबरार अहमद को शामिल किया जाने का इम्कान। टीम मैनेजमेंट शादाब की हतमी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद आईसीसी से राबता करेगी। अबरार अहमद ने आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की है।